ईआईडी न्यूज की खबर का हुआ असर, जल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों को अब मिलेगा पानी। एसडीएम के निर्देश के बाद हुई बोरिंग पेयजल समस्या का किया गया निराकरण। बड़वानी जिले के पाटी विकासखंड के ग्राम लाई झापी के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या को लेकर सीआईडी न्यूज ने गत दिनों प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद बड़वानी एसडीएम श्री घनश्याम धनगर ने तत्काल निराकरण के निर्देश दिए, जिसके बाद ग्राम जाई झापी में बोरिंग कराई गई। ट्यूबवेल खनन के दौरान वहां पर्याप्त मात्रा में पानी मिला है। ग्रामीणों को अब पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि पेयजल की समस्या के कारण हो रही दुविधा को लेकर सीआईडी न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उदासीनता पर भी सवाल खड़े किए गए। सूबे की भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र की इस समस्या को लेकर जब हमने प्रमुखता से खबर दिखाई तो भाजपा के आला नेता और जनप्रतिनिधि भी तुरंत हरकत में आते नजर आए। खैर, अब वर्षों पुरानी समस्या का चंद दिनों में ही निराकरण हुआ है, जिसके बाद लोगों ने सीआईडी न्यूज की काफी सराहना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीआईडी न्यूज, बड़वानी। ये है पाटी विकासखंड का ग्राम लाई झापी, जो एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश पर एसडीएम श्री घनश्याम धनगर ने रास्ता बनवाकर ट्यूबवेल से पानी की स्थायी व्यवस्था बनवाई है। गर्मी के मद्देनजर मध्यरात्रि में 3 दिनों तक पीएचई विभाग ने बोरवेल मशीन चलाकर 675 फीट गहरा ट्यूबवेल का खनन करवाया। इस बोर में 3 इंच पानी मिला है, जिसे अब ऊपरी गाँव तक पहुँचाया जा रहा है। पानी की सुचारू व्यवस्था के कारण ग्रामीण काफी खुश हैं। बड़ी खुशी की बात है कि कल लाई झापी में ट्यूबवेल खनन हुआ है, वहाँ पर 3 इंच पानी मिला हुआ है। अब लाई झापी की पानी की समस्या हल हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये बड़ा दुष्कर कार्य था जो लोगों ने घाट कटिंग करके और वहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। मेरी ओर से इसमें हमारे एसडीएम और ईपीएचई लोगों ने चकाम किया हुआ, मेरी तरफ से उनको धन्यवाद और बहुत बधाई। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह की समस्या आती है तत्काल उसका हल करेंगे।